गरम गरम पानी, नरम ये जवानी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरे। रुक, इन हरामखोरों से सोचो कि गाय का मूत्र और गोबर दलित से भी शुद्ध है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति नफरत फैलाते हैं, तो कुछ भड़वे बड़ा विवाद कर रहे हैं, उनको गाली गलौज दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर रामचरितमानस और मनुस्मृति और तमाम हिंदू ग्रंथ अगर नफरत नहीं फैलाते, तो फिर उसको पढ़ने वाले, उसको मानने वाले आखिर नफरती बोल क्यों बोलते हैं? जो राम का नहीं वो गीदड़ का है, वो फिर हमें बहुत गंदी बात आती यार, वो नक्कता है पटरी का भरो। आखिर मन में खोट क्यों रखते हैं, भेदभाव क्यों रखते हैं, धार्मिक दंगा क्यों फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? अगर रामचरितमानस और मनुस्मृति नफरत नहीं फैलाते, भेदभाव नहीं फैलाते हैं, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मंदिर जाने पर मंदिर क्यों धोई जाती है, क्यों धोई जाती है? और जगजीवन राम बाबू इतने बड़े पद पर थे, एक मूर्ति का अनावरण किया तो फिर उस मूर्ति को भी गंगा जल से धोया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीएम आवास छोड़ते ही सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया। और घटनाएं तो तमाम देखने को मिलती हैं। अगर कोई दलित महिला मंदिर में चली जाए तो उसके बाल पकड़कर घसीटकर उसको बाहर किया जाता है। अगर कोई दलित व्यक्ति किसी मूर्ति को छू दे तो उसके ऊपर 60,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। अगर कोई दलित युवक मंदिर में घुस जाए तो उसको जलती हुई अंगूठी से रात दिन पीटा जाता है। अगर कोई दलित व्यक्ति मंदिर में घुस जाए या दलित व्यक्ति किसी मंदिर के प्रांगण में लगी नल से पानी पी ले तो उसको जूते में मूत्र पियाया जाता है। इन हरामखोरों से सोचो कि गाय का मूत्र और गोबर दलित से भी शुद्ध है, दलित जानवर से भी बदतर है। आखिर ये सब पैदा कहाँ से हुआ? इन्हीं धार्मिक किताबों के पढ़ने की वजह से ना। अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम ऐसा शायद नहीं कर पाते। और मेरे हिसाब से भी लगता है कि तमाम हिंदू ग्रंथ नफरत फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं। मैं भी दावे के साथ कहता हूँ और मैं चंद्रशेखर जी का समर्थन करता हूँ। ठीक है।